सो और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक है तो हम सभी ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है क्या आप हमने पढ़ा है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है क्या स्टेटमेंट हुआ तो स्टेटमेंट इज हुआ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज एक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स इसको हम क्या कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स भी कहते हैं चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा था सपोज कर लीजिए ये कोई एक ब्लॉक है कोई एक सरफेस है उसके ऊपर एक ब्लॉक एम के जी का रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन और इसके ऊपर एक वेट लगेगा एम जी ठीक है तो क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डज क्वेश्चन क्या आया दिस एन नॉर्मल रिएक्शन एन क्या हुआ नॉर्मल रिएक्शन एंड एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स एफ क्या हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी क्या हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर एक्शन रिएक्शन फोर्स और एक्शन रिएक्शन पेयर तो बताइए क्या ये एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर है तो आंसर है नहीं है आंसर क्या है नो no. लेकिन आप तो कहेंगे ये इक्वल एंड अपॉजिट फोर्सेस है तो ये बिल्कुल ठीक है ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है इसलिए हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एन बराबर क्या होगा एम जी होगा बट एक्शन रिएक्शन में हम इसको मिसकंसेप्ट मान के गलत कर देते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस के वो हम समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आया क्या चीज है तो वॉट आर द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के कुछ रूल्स हैं या थर्ड लॉ के कुछ रूल्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट वी शुड राइट ऑल दो रूल्स और वन बाई वन वी शुड अंडरस्टैंड दोज तो रूल्स फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस या फोर्स पहला रूल इनका जो सबसे पहला रूल है वो क्या है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट बॉडीज तो दे मतलब विच एक्शन रिएक्शन ऐसे लिख लीजिए आप एक्शन रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट बॉडीज तो किस में लगते हैं डिफरेंट बॉडीज में लगते हैं यहां देखिए अगर मैं इसकी एफ बी तो ये एम के का मास था ये एन नॉर्मल रिएक्शन और ये एम जी कहां है नीचे तो एक ही बॉडी के ऊपर लग रहे हैं लेकिन यहां पर रूल क्या है ये डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगते हैं इसलिए एक्शन रिएक्शन नहीं है ये पहला इसका हो गया दूसरा क्या रूल है दूसरा रूल क्या है कि इसका नेचर कैसा होगा सेम एक्शन रिएक्शन का नेचर कैसा होगा नेचर मस्ट बी सेम अब यहां देखिए यहां पर नेचर क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स और यहां पर नेचर क्या है नॉर्मल रिएक्शन तो अलग अलग हो गए ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन का सेम नेचर क्या हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन ठीक है इसे मैग्नेटिक फोर्स का रिएक्शन क्या होगा एक्शन और रिएक्शन क्या होगा सेम मैग्नेटिक फोर्स ही होगा तो इस तरीके से जो फोर्स है उसका सेम ही नेचर होना चाहिए यहां पर क्या है डिफरेंट है यहां पर ग्रेविटी लग रही है यहां पर कुछ और लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन फिर आपके दिमाग में सवाल आया अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो एमजी का पेयर क्या होगा और एन का पेयर क्या होगा तो देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं अगर मैं कहूं किसकी बात करूं मैं एम जी की बात करूं और ये मेरी एफबीडी थी थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ये सपोज कर लीजिए ये ब्लॉक था एम इधर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था नीचे क्या लग रही थी एम लग रही थी और मैं कहूं कि आप एम का बताइए तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है तो ग्रेविटी कौन लगाता है अर्थ तो ये सपोज कर लीजिए अर्थ हो गई नीचे कहीं ना कहीं हर जगह अर्थ है ठीक है तो ये अर्थ भी ये ब्लॉक भी इसके ऊपर इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा और वो कैसा लगा रहा होगा? Mg लगा रहा रहा होगा होगा अभी क्या लगा ये वाला फोर्स क्या है दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाई वॉट अर्थ एंड दिस इज द फोर्स एक्जर्टेड बाई वॉट ब्लॉक तो ये क्या हो गया एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया इसी तरीके से अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को बनाऊं किसको बनाऊं मैं अगर इसका नॉर्मल रिएक्शन बनाऊं तो देखिए क्या हुआ ये ब्लॉक था ठीक है मान लीजिए इस सरफेस को मैंने वन मान लिया इसको मैंने कितना मान लिया वन और इसको मैं क्या मान लू टू मान लू इसको मैं क्या मान लेता हूं टू ब्लॉक को क्या मान लेता हूं टू मान लेता हूं तो देखिए क्या हुआ इस सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया क्या लगाया नॉर्मल रिएक्शन तो इसको क्या पढ़ोगे नॉर्मल रिएक्शन बाई ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन ब्लॉक तो अगर मैं सरफेस को एस मान लू और ब्लॉक को क्या मान लू बी मान लू तो सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर लगाया है ब्लॉक के ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस ऑन ब्लॉक इसी तरीके से क्या ये ब्लॉक भी इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बिल्कुल और वो कितना लगाएगा वो लगाएगा बी और इसको आप क्या पढ़ सकते हैं इसको आप पढ़ सकते थे वन टू तो इसको आप क्या पढ़

जोड़ी में लग रहे हैं तो समझ में आया तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन सा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम कल करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ रिएक्शंस लॉज ऑफ मोशन पे नोमेरिकल्स बनते हैं जनरली जो नुमेरिकल अगर आप ऐसी वर्मा देखें तो बंदर वाले नुमेरिकल हैं बहुत सारे उसमें ठीक है वो क्वेश्चन करेंगे कुछ पुली के भी क्वेश्चन हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें वेटलेसनेस कंडीशन आएगी मतलब जिसमें हम लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आपका वजन बढ़ जाता है लिफ्ट में जब ऊपर जाती है और नीचे आती है तो वजन क्या हो जाता है घट जाता है ये सब नेक्स्ट लेक्चर में है साथ में हम कोशिश करेंगे कि हमारा अगर लेक्चर थोड़ा बड़ा नहीं हो पाया तो हम बनाई पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम Thank you. Have a safe day.